बटेटा का डाबला, डाबला बटेटा का डाबला, बटेटा का डाबला, आलू का डाबला, आलू का डाबला, आलू का डाबला बन रहा है भाई। आलू कुछ एक, अच्छा ग्रीन चटनी, देखो भाई ग्रीन चटनी और आलू के चिप्स। ये चटनी हमने पिछले वीडियो में ट्राई करी थी, काफी नमकीन और तीखी थी। अब इसमें आएगा लहसुन, अच्छा इसमें लहसुन आएगा। सैंडविच जैसा कुछ बनने जा रहा है भाई, आप बता दीजिए अभी से कमेंट में कि आपको क्या लगता है क्या बनने वाला है। अगर ऊपर जाएगी, अच्छा चिल्ली गार्लिक सैंडविच बन गई है भाई, चिल्ली गार्लिक आलू सैंडविच। अब जो हमने बेसन बनाया था ना, अच्छा ये इसके पकोड़े होंगे। गुजरात में आओ आपको फ्यूजन फूड तो यार यहाँ पे मिलते ही रहेंगे। दो अलग अलग चीज़ों को मिक्स करके दोनों को कॉम्बिनेशन का एक कुछ तीसरी चीज़ बनाना, ये तो यहाँ के लोगों का नया बिजनेस है भाई। देखो काफ़ी बढ़िया सी चीज़ बन रही है। जो हमने इससे पहले टमाटा पूरी ट्राई करी थी, कुम्बानिया भजिया ट्राई किया था, काफ़ी बढ़िया रहा था। और ऐसी ही एक नई चीज़ है, इसका क्या बोलेंगे भैया, नाम क्या है इसका? बटेटा का डाबला, डाबला बटेटा का डाबला, बटेटा का डाबला, आलू का डाबला, आलू का डाबला, आलू का डाबला बन रहा है भाई। आलू का डाबला यहाँ पे आ गया है बाहर पक के। लहसुन और साथ में ग्रीन चटनी और उसमें आलू है, काफी बढ़िया। सोच के भाई एक अलग ही टेस्ट होगा। इसके ऊपर आएगा चाट मसाला। ये आ गया चाट मसाला, किसके साथ सर्व करेंगे? चटनी के साथ, सब चीज चटनी के साथ, एक फ्रेंच फ्राइज फ्रूट सॉस के साथ। हाँ ये खजूर और इमली की चटनी, खजूर और इमली की चटनी। क्या प्राइस है इस प्लेट की? 40 रुपये। तो भाई आज हम आपको बता देते हैं कि हम कहाँ एग्जैक्ट आए हुए हैं। भवनाथ तलेटी पे आए हैं हम, और ये जो भैया ने बनाया है देखो, गरम गरम है, गरम है वो। आप यहाँ पे आके खुद ही देख लीजिएगा, जय खोड़ियार भजिया एंड चिप्स इस तरह से कुछ नाम है, और ये ऐसा कुछ स्टॉल है। तो बस ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।